हेलो दोस्तों, पॉली हाउस नहीं तो ग्रीन हाउस के थ्रू से आप बहुत सारे पैसा कमा सकते हैं। स्पेशली साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये जो फैसिलिटी बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। इनके थ्रू से आप पूरा साल भर एक फसल को उगा सकते हैं और उसको हाई रेट में मार्केट में सेल कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने स्टेट बैंक का पॉली हाउस लोन के बारे में एक वीडियो डाला था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो वहां से देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सेंट्रल बैंक से लोन लेके पॉली हाउस नहीं तो ग्रीन हाउस बना सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप नया है मेरे चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं रेगुलर बेसिस पे फाइनेंशियल टॉपिक पे वीडियो अपलोड करता हूं जो आपको डे टू डे फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। फ्रेंड, पॉली हाउस नहीं तो ग्रीन हाउस का फैसिलिटी गवर्नमेंट भी प्रमोट करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में जब वेदर चेंज होने लगेंगे, क्लाइमेट चेंज होने लगेंगे, तब पॉली हाउस नहीं तो ग्रीन हाउस के थ्रू से गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन ये है कि एग्रीकल्चर कंटिन्यू होगा। इसीलिए आज अप टू 80% तक सब्सिडी दिया जाता है पॉली हाउस नहीं तो ग्रीन हाउस के ऊपर। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है, तो दोस्तों इसीलिए ये पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है और आप चाहे तो इसमें आप भी नाम लिखा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, ये जो पॉली हाउस नहीं तो ग्रीन हाउस है, इनका जो एक्सपेंस है ये बहुत ही बड़ा होता है। 1 करोड़ 2 करोड़ लग जाता है एक छोटा मोटा पॉली हाउस नहीं तो ग्रीन हाउस बनाने के लिए। तो अगर आप सेंट्रल बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो उसके पहले आपको कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। उसके पहला जो चीज है दोस्तों कि आपको बेसिक ट्रेनिंग होना चाहिए पॉली हाउस नहीं तो ग्रीन हाउस के बारे में। ये आप नियर बाय जो फार्मर है उसके पास जाके भी आप ले सकते हैं, नहीं तो ब्लॉक लेवल पे एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है उसके थ्रू से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। बहुत सारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो भी पॉली हाउस नहीं तो ग्रीन हाउस के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। दूसरा जो चीज है दोस्तों, बैंक के जाने से पहले पॉली हाउस कौन कंस्ट्रक्शन करता है उसके बारे में आपको पता करना पड़ेगा। स्पेशली जो प्रोफेशनल है, बहुत सारे पार्ट, स्पेशली अगर ईस्टर्न पार्ट में आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा आपको वो इस टाइप का कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं मिलेगा जिसको पता है कैसे पॉली हाउस बनाना है। तो ये पार्ट आपको पहले से तय करना है कि किसके पास आप जाएंगे, किसके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे वो पॉली हाउस बनाने के लिए। बहुत सारे कंपनी है जो हेल्प करता है पॉली हाउस बनाने के लिए, ठीक है। तो उनके पास से आपको एक प्रॉपर एस्टिमेट लेना पड़ेगा कि कितना खर्चा हो रहा है और उसके ऊपर ही बैंक आपको लोन देगा। तीसरा जो चीज है दोस्तों वो है लैंड। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको पूरा फर्टाइल लैंड देने की जरूरत नहीं है पॉली हाउस के लिए। आपके अगर कोई हिली एरिया में भी कोई लैंड दे दे तो वहां पर भी आप पॉली हाउस बना सकते हैं। तो इसका पॉजिटिव साइड ये है कि अब कम पैसे में जो लैंड में पहले एग्रीकल्चर नहीं होते थे उस टाइप का लैंड अगर आप खरीद के पॉली हाउस बनाएंगे तो आप कम पैसे में लैंड आपको मिल जाएगा और पॉली हाउस के थ्रू से आप प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। अगर आपके पास लैंड नहीं है तो आप लीज में भी ले सकते हैं, लेकिन लीज में मैं आपको एक बताना चाहूंगा, अगर लीज आप 2-3 साल के लिए लेते हैं तो बैंक यूजुअली लोन सैंक्शन नहीं करता है। तो आप कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट फॉर 10 इयर्स एंड अबव लीज लेने के लिए, क्योंकि पॉली हाउस में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत पैसा लगता है, लोन अमाउंट भी बड़ा होता है। तो कम टाइम के लिए अगर आप लीज लेंगे तो बैंक यूजुअली लोन डिक्लाइन कर देगा। चौथा जो चीज दोस्तों इंपॉर्टेंट है वो है सब्सिडी। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट अप टू 80% तक भी सब्सिडी देते हैं। मोस्टली जिस स्टेट में पानी का कमी है उसमें पॉली हाउस को अच्छी तरह से प्रमोट किया जाता है, जैसे कि तेलंगाना हो सकता है, आंध्र हो सकता है, तमिलनाडु हो सकता है। तो इस टाइप का स्टेट में पॉली हाउस को बहुत सारे प्रमोट किया जाता है और इवन यूपीएमई में भी पॉली हाउस को प्रमोट किया जाता है। तो आप जो आपका जो ब्लॉक का जो ऑफिस है वहाँ पे, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाके कितना सब्सिडी आपको मिलने वाला है वो आपको पहले जानना पड़ेगा। और एक चीज़ है कि उनसे आप पूछ भी लीजिए कि प्रोसेस क्या है, क्या उनके थ्रू से प्रपोजल फॉरवर्ड करना है ना बैंक में अप्लाई करके लोन सैंक्शन करके उनको अप्रोच करना है। ये पार्ट आप पहले से ही बात कर लीजिए स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल है उनके साथ। नहीं तो क्या होता है कि अगर आप बैंक में अप्लाई किए, लोन सैंक्शन हो गया, फिर आप जब जाते हैं तो बहुत सारे केसेस में वो बोलते हैं कि हम लोगों को पहले क्यों नहीं बताया, हम लोग का जो बजट है वो ओवर हो गया है। तो ये सब बहाना देके आपका जो सब्सिडी है वो कैंसिल कर देता है। तो बेस्ट होगा बैंक के जाने से पहले आप ब्लॉक ऑफिस, नहीं तो आपका वहाँ पर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ पर जाके सब्सिडी का प्रोसेस आप वहाँ से जान लीजिए। ये सब चीज तैयार करने के बाद आप सेंट्रल बैंक में
अप्रोच कीजिए पॉली हाउस लोन के लिए। लोन का जो बेसिक जो क्राइटेरिया है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें पहला जो चीज है कि ये सिर्फ हाई क्वालिटी कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए दिया जाता है। जो रेगुलर फसल आप उगाते हैं लाइक गेहूं चावल, अगर वो आप पॉली हाउस में उगाएंगे तो प्रॉफिट करना आपको बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए दोस्तों हाई क्वालिटी जो कमर्शियल क्रॉप है उनको ही दिया जाता है, लाइक फ्लावर हो सकता है, अब मेडिसिनल प्लांट हो सकता है, स्पाइस हो सकता है एंड वेजिटेबल्स में लाइक कैप्सिकम हो सकता है, इस टाइप का फसल के लिए ही पॉली हाउस का लोन दिया जाता है। ये लोन आप सेड बनाने के लिए ले सकते हैं, इक्विपमेंट खरीदने के लिए ले सकते हैं, इवन वर्किंग कैपिटल के लिए भी ले सकते हैं। आप इंडिविजुअल होके ये लोन अप्लाई कर सकते हैं, आप SHG नहीं तो JLG ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप में भी ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एज ए कंपनी अप्लाई कर सकते हैं, ये हो सकता है पार्टनरशिप कंपनी हो सकता है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हो सकता है, नहीं तो लिमिटेड कंपनी हो सकता है। अगर इसके थ्रू से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कंपनी का पास्ट एग्रीकल्चर में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपनी हुआ तो आप ये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल कोर्स में आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा, जो जितना भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उनका 80% बैंक फाइनेंस करेगा, मैक्सिमम 5 करोड़। मतलब मैक्सिमम 5 करोड़ तो हो सकता है लेकिन प्रोजेक्ट कॉस्ट का 80% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर SHG हुआ, सेल्फ हेल्प ग्रुप हुआ, तो मैक्सिमम 20 लाख लोन हो सकता है। और ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप के लिए JLG ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप के लिए मैक्सिमम 5 लाख लोन हो सकता है। तो नॉर्मल में 5 करोड़ तक हो सकता है प्रोजेक्ट कॉस्ट का 80%, SHG में मैक्सिमम 20 लाख एंड JLG में 5 लाख लोन आप ले सकते हैं। मार्जिन में आपको मैं बताना चाहूंगा कि 1 लाख तक कोई मार्जिन नहीं है, ठीक है। और 1 लाख के अगर ऊपर हुआ तो मैंने पहले ही बताया था 80%, तो 20% आपको देना पड़ेगा। इंटरेस्ट भी बहुत कम है, आपको 9-10% देना है डिपेंड ऑन द लोन अमाउंट। सिक्योरिटी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो सेट होगा, नेट होगा, वो हाइपोथेकेशन रहेगा बैंक के पास। इन एडिशन टू दैट आपको कोई मॉर्गेज सिक्योरिटी रखना है। ये सिक्योरिटी के लिए आपका खुद का प्रॉपर्टी आप दे सकते हैं, नहीं तो आपका कोई रिलेटिव, नहीं तो दोस्तों का प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको को बोरोअर बनना पड़ेगा। ये सिक्योरिटी के अलावा अगर 10 लाख तक लोन हुआ तो जो प्रोमोटर होगा, नहीं तो जो प्रोपराइटर होगा, उनका पर्सनल गारंटी भी लिया जाएगा। लेकिन अगर 10 लाख के ऊपर हुआ तो इन एडिशन टू दैट सिक्योरिटी आपको एक थर्ड पार्टी गारंटी देना है। थर्ड पार्टी मतलब एक कोई इंसान, कोई आपका दोस्त हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है जिसका नेट और अच्छा है, मतलब वो नौकरी करता है, नहीं तो बिजनेस करता है, उनका बैंक में अच्छा डिपॉजिट है, इस टाइप का कोई किसी को आपको थर्ड पार्टी गारंटर रखना पड़ेगा। ये प्रपोजल में पहले तो आपको सिक्योरिटी देना है, 10 लाख तक आपका पर्सनल गारंटी भी देना है, अगर 10 लाख के ऊपर हुआ तो आपको थर्ड पार्टी गारंटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अप टू 25,000 कोई प्रोसेसिंग फी नहीं है। यूजुअली 25,000 का लोन नहीं होता है, लेकिन 25,000 के ऊपर हुआ तो 120 पर लाख के हिसाब से आपको प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा, मैक्सिमम 20,000 हो सकता है। फिर से बोल रहा हूँ 120 पर लाख, लेकिन मैक्सिमम 20,000 तक आपको देना पड़ेगा। इसमें कुछ इंस्पेक्शन चार्ज भी है क्योंकि बड़ा प्रपोजल है, तो इंस्पेक्शन चार्ज में यूजुअली अप टू 2 लाख तक नील होता है, और 2 लाख के ऊपर हुआ तो 2 लाख से 5 लाख तक 200 होता है, और 5 लाख से 50 लाख तक 500, और 50 लाख के ऊपर 1,000 एज ए इंस्पेक्शन चार्ज लगता है सालाना। ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये प्रपोजल बड़ा होता है, लोन बड़ा होता है, तो ये चार्ज आपको देना पड़ेगा। जो लोन आप ले रहे हैं आपको 7 साल में शोध करना है। इसमें आपको 3 से 12 महीने तक मोनोटोरियम मिल सकता है। मोनोटोरियम मतलब पहले 3 से 12 महीने तक आपको कुछ नहीं देना है, उसके बाद से आपको हर महीने करके आपको रिपेमेंट करना है। तो दोस्तों ये था बेसिक पार्ट ऑफ द लोन का। और अगर आप ये लेना चाहते हैं, मैंने पहले ही बताया आपका जो ब्लॉक ऑफिस है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उससे एक बार बात कर लीजिए सब्सिडी की प्रोसेस के लिए। अगर वो कहते हैं कि आप ब्रांच में अप्लाई कीजिए तो आप ब्रांच में अप्लाई कीजिए, नहीं तो ब्लॉक ऑफिस के थ्रू से वो प्रपोजल बैंक में भेजिए, सेंट्रल बैंक में। प्रपोजल पढ़ने के बाद यूजुअली बैंक ब्लॉक ऑफिस का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है उसके साथ एक जॉइंट इंस्पेक्शन करता है। कभी कभी बैंक ऑफिसर अलग से इंस्पेक्शन कर लेता है, और इंस्पेक्शन करने के बाद एक बेसिक रिपोर्ट देते हैं कि आपका जो पॉली हाउस है वो फिनेंशियली वायबल है कि नहीं। और इसके बाद सेकेंड पार्ट वो जो करता है वो है कि आप जो
सिक्योरिटी के लिए जो प्रॉपर्टी रख रहे हैं उनका सर्चिंग और वैल्यूएशन करवाता है। सिक्योरिटी का प्रॉपर्टी में बताना चाहूंगा, यूजुअली वो लोग डीड, लिंक डीड, वो आपका बिल्डिंग का जो प्लान है, जो लेटेस्ट टैक्स रिसिप्ट है, ये सब मांगता है। अगर एग्रीकल्चर लैंड पहले था कन्वर्शन हुआ है तो कन्वर्शन सर्टिफिकेट भी वो लोग मांगता है। तो ये सब पेपर आप दे दीजिए सर्चिंग वैल्यूएशन के लिए। इसके अलावा दोस्तों केवाईसी में आधार पैन कार्ड एंड फोटो दे दीजिए, और यूजुअली पॉली हाउस में वो जो मांगता है एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट और कुछ नहीं है, सिंपली पहला पैरा में लिख दीजिए कि आप क्यों ये करना चाहते हैं, दूसरे पैरा में कितना सब्सिडी मिलेगा, तीसरे में जो मैंने पहले ही बताया जो इंजीनियर से बात करके जो एक एस्टीमेट बनाने बोला था मैंने कि जिसके ऊपर लोन सैंक्शन होगा खर्चा कितना होगा, वो एस्टीमेट ही आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी लिख दीजिए। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे दीजिए कि मुझे मेरा इतना खर्चा होगा, इसमें इतना सब्सिडी होगा और मुझे इतना लोन मिलेगा। तो ये सब पेपर एक साथ करने के बाद अगर सर्चिंग वैल्यूएशन अच्छा हुआ और जो ब्लॉक ऑफिस है नहीं तो जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिस है जो सब्सिडी छोड़ेगा, ठीक है, अगर उसको ये प्रोजेक्ट वायबल निकला तो यूजुअली बैंक ये सैंक्शन कर देता है। सैंक्शन करने के बाद जो सब्सिडी रिलीजिंग अथॉरिटी है उनके पास बैंक एक सैंक्शन लेटर भेजता है। अगर आप ब्लॉक ऑफिस के थ्रू से अप्लाई करते हैं वो सैंक्शन लेटर का कॉपी लेके आप ब्लॉक ऑफिस में दे सकते हैं। उसके बाद जो सब्सिडी है वो सब्सिडी वो एक्चुअली बैंक में वो लोग भेज देता है जो एज ए फिक्स डिपोजिट रख देता है। जब आप लोन शोध करते हैं उसके हिसाब थ्रू से बैंक भी वो फिक्स डिपोजिट को आपको लौटा देता है, नहीं तो आपका जो लोन अकाउंट है उसमें वो क्रेडिट करके आपका जो लोन का ओवरड्यू है वो घटा देता है। दोस्तों होप आज जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया सेंट्रल बैंक पॉली हाउस लोन के बारे में, जिसको सेंट पॉली हाउस लोन भी कहा जाता है, ये आपको हेल्प करेगा आपका फ्यूचर जो ड्रीम है उसको सक्सेसफुल करने में। अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड फेसबुक में शेयर कीजिए, और अगर आप नया है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।